फ्राइडे मार्केट सो गया था, मंडे होते ही जाग गया, और जाग के जब भागने लग गया तो भाई उसी के साथ साथ 250 पॉइंट देके चला गया। जो लोग मेरे फ्री वाले टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े हैं, अभी के अभी मैं कहता हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ दोस्तों, ज्वाइन टेलीग्राम बोल के लिखा हूँ, उस ब्लू कलर का लिंक को क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि लिटरली ये दिन का पहला लेवल था, एक ही लेवल था इस हफ्ते का, पहला दिन का पहला लेवल जिस तरीके से ब्लास्ट गया है ना, 10:13 देखिए मेरे टेलीग्राम चैनल, कोई लेवल सुबह से नहीं दिया, सुबह एनालिसिस पोस्ट कर दिया था, बट जो लाइव मार्केट में लेवल आया 10:13 पे 46,443 के ऊपर, अगर दो ग्रीन कैंडल क्लोज कर देगा तो हमें कॉल खरीदना है। एक ग्रीन कैंडल क्लोज किया था, अलग सा ग्रीन कैंडल तो क्लोज ही नहीं किया था, ये पैटर्न एक्टिवेट ही नहीं हुआ था, उससे पहले दिया, बट उसके बाद देखो मेरे भाई जैसे ही ब्रेकआउट किया पैटर्न यहां पे एक्टिवेट हुआ मेरे भाई। जो लोग ये ब्रेकआउट के रिटेस्ट में खरीदेंगे ना, उनको तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट मिला। अरे छोड़िए वो बात, मैं तो ऑनेस्टी के साथ बोल रहा हूं, यहां पे भी कोई भी अगर कॉल खरीद रहे ना 500 से, भाई देखो जैसे दो कैंडल क्लोज दिया कॉल खरीदते, सीधा अप मूव मेरे भाई, सीधा यहां से अप मूव, मैं तो ये पकड़ भी नहीं रहा हूं। बहुत सारे लोग यहां पे खरीद के बेचे यहां पे हैं, तो जाके फ्री वाले ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए यार। और क्या चाहिए, लाइव मार्केट में क्लियरिटी के साथ होने से पहले दे रहा हूं, 5-10 आपको ट्रेड लेने के लिए मिल रहा है फ्री में, तो जाके फ्री वाले ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि कल है पिन निफ्टी का एक्सपायरी, और पिन निफ्टी एक्सपायरी स्पेशल लेवल तो मैं देने ही वाला हूं, उसके साथ साथ ऑप्शन चेन एनालिसिस करेंगे, क्योंकि ये वीडियो में मेरे भाई पिन निफ्टी एक्सपायरी स्पेशल एनालिसिस करेंगे। ये वीडियो पिन निफ्टी एक्सपायरी के नाम, आप बोलोगे भाई अलग सा वीडियो कहां गया यार, बैंक निफ्टी लाइक मिड कैप निफ्टी उसका कहां गया सब, मैं आ रहा हूं मेरे भाई लेके वीडियो, आप बस सब्सक्राइब करके रखो ना यार। ये वीडियो पे सिर्फ और सिर्फ हम पिन निफ्टी का एनालिसिस करेंगे, 6 मैं सेकंड वीडियो अपलोड कर रहा हूं, प्लीज सब्सक्राइब करके आप प्लीज बेल आइकन प्रेस करके रखिए। कोई भी कॉल पुट होल्ड किए हैं कमेंट प्लीज कीजिए, ये मैं अपने तरफ से रिक्वेस्ट करता हूं, कभी देखा है आपने कोई रिक्वेस्ट करता हुआ कि आप कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई दूंगा, मैं खुद बोल रहा हूं कोई भी कॉल पुट लिए हैं कमेंट कीजिए, कल 8:45 के बाद रिप्लाई मिल जाएगा। तो प्लीज दोस्तों आप सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये वीडियो पे फिन निफ्टी का ही एनालिसिस करेंगे एक इंडेक्स का, अगला जो वीडियो 6 आ रहा है करेक्ट, वहां पे हमें 3 इंडेक्स का एनालिसिस करेंगे, बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी और निफ्टी का, ठीक है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं सीधा कल के दिन, पहला प्लान मैं बोलता हूं, अगर फिन निफ्टी फ्लैट या फिर थोड़ा सा ऐसे ही गैप अप खुला, बेस्ट कंडीशन रहेगा बाय करने के लिए, फ्लैट या फिर गैप अप खुल के अगर साइडवेज रहा और उसके बाद अगर 20,606 अगर ब्रेकआउट दे रहा है ना, यहां से आप 172-150 का अप मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखिए 20,606 का लेवल मैंने क्यों दिया, इसके पीछे पहला रीजन जानने के लिए आपको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा और इसको समझना पड़ेगा यार, क्योंकि ट्रेंड लाइन का वैल्यू आपको बताएं। ये देखिए जो रेड कलर का ट्रेंड लाइन आपको दिखाई दे रहा है, मैं जो ड्रॉ करके बैठा हूं, एक बार यार इसी रेड कलर का ट्रेंड लाइन को टच किया था फिर निफ्टी, कितना बड़ा डाउनफॉल दिया था आप खुद देख लीजिए। चलिए छोड़िए ये एक बार हो गया दोस्तों, ठीक है। ये देखिए सेकेंड टाइम तो भाई एग्जैक्टली यहां पे टच किया यार, उसके बाद अगर आप देखोगे कंटिन्यूसली डाउनफॉल दिया। चलिए छोड़िए यार वो बात, आज के दिन अगर आप देखोगे, देखो रेस्पेक्ट तो करता है यार इसी ट्रेंड लाइन को, ये ट्रेंड लाइन पहले भी डिस्कस किया, आज अगर आप देखोगे एग्जैक्टली इसी ट्रेंड लाइन को टच किया, एंड देन जैसे ही टच किया ना उसके बाद देखो 82 का फॉल दिया है, तो आपको क्लियरली पता चल रहा है कि कोई ऐसा वैसा ट्रेंड लाइन नहीं है, दो बार ऑलरेडी इतना बड़ा बड़ा फॉल दे चुका है और ये आज को मिला के तीसरी बार टच किया है, तो ये तो क्लियर आपको पहला पॉइंट हो गया कि हाँ भाई हम समझ गए कि कल के दिन ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करेगा, तो रेजिस्टेंट ट्रेंड लाइन ब्रेक कर रहे हैं हम कॉल खरीदेंगे, ये तो बात हम समझ गए। दूसरा पॉइंट, ये तो हमें पहला कंडीशन मिल गया, दूसरा क्या है कि 20,606 अगर आप देखोगे यहां पे, जरा आप देखिए तो आज के दिन क्या हुआ है, मार्केट दोस्तों कहीं ना कहीं लिटिल गैप अप खुला, ओके ये प्राइस एक्शन को आप ध्यान से समझिए, मार्केट लिटिल गैप अप खुला, नीचे आया, क्लोजिंग प्राइस के आसपास सपोर्ट लिया, ऊपर गया, यहां पे मतलब 11:15 से लेके 2:30 तक अगर आप देखोगे इस प्लेस पे दोस्तों मार्केट इसके ऊपर जा ही नहीं पाया, 15 टाइम फ्रेम पे आप खुद चेक कर सकते, देख ही सकते हैं दोस्तों, आप क्लियरली देख सकते हैं कि यार सही तो बोल रहे हैं, 11:15 के बाद यहां से रिजेक्शन फिर रिजेक्शन, 11:15 से 2:30 हो गया, इसके ऊपर जा ही नहीं पाया, इस जोन के उस जोन को ब्रेक ही नहीं कर पाया फिर निफ्टी, तो क्लियरली पता चल रहा है कि भाई हाँ ये एक रेजिस्टेंस जोन है जो कि प्राइस इस प्लेस पे सस्टेन ही नहीं कर पाया, आखिर में गिर जाके यहाँ पे क्लोज किया है, तो भाई सीधी सिंपल सी बात है कल के दिन इतना बड़ा ट्रेंड लाइन
प्लस इतना बड़ा रेजिस्टेंस लेवल यानी कि जोन जो है वो ब्रेकआउट होगा तभी जाके हम कॉल खरीदेंगे, उससे पहले कॉल के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। क्लियर हो गया दोस्तों, प्लान नंबर बी हम देखते हैं, उसके बाद सब डिस्कस करके आएंगे ऑप्शन चेन पे, हीरो जीरो पे। देखिए अगर आपको सेल भी करना है ना, खतरा बहुत है यार, मैं आपको जेन्युइनली बोल रहा हूँ। देखिए कल प्लान नंबर बी हमारा ये रहना चाहिए कि अगर मार्केट फ्लैट ही खुल गया और सेल करना ही है तो 20,521 के नीचे कर सकते हैं, आज का जो कहीं ना कहीं सपोर्ट है दोस्तों। कल अगर फ्लैट खुला, क्योंकि देखिए आज का सपोर्ट तो ये है 20,471 तो मानूंगा मैं आज का सपोर्ट है, क्योंकि मार्केट नीचे गया क्लोजिंग प्राइस से ऊपर उछला है। बट आखिर में अगर आप देखोगे दोस्तों एक एम पैटर्न टाइप का आपको दिख नहीं रहा है क्लियरली, यहाँ पे ऊपर गया फिर एम पैटर्न बना और देन यहाँ पे ऐसे क्लोज किया, देखिए क्लियरली ऊपर गया, देखो एम पैटर्न बना, ये नेकलाइन तोड़ के यहाँ पे क्लोज दिया। इसीलिए मैं कह रहा हूं जो आज के दिन आखिर में क्लोज हुआ है, क्लोज होते तो जो सपोर्ट क्रिएट करके गया है 20,521 के नीचे, अगर कल के दिन मार्केट लाइक फ्लैट खोला, इसको लाइक ब्रेकडाउन कर दिया तो डेफिनेटली हम सेल कर सकते हैं। टारगेट हमारा रहेगा 20,471, अगर ये टूटा तो अच्छा खासा हमें और भी डाउनफॉल देखने को मिल जाएगा। क्लियर हो गया दोस्तों। और एक बात जो मैंने आपको कहा, देखिए आपको थोड़ा सा ऑब्वियस बात है ड्राइंग लाइक खराब दिख रहा होगा इतना सब ड्राइंग करने के बाद, समझ गए होंगे ठीक है भाई आज का लो टूटने का। मैं एक पॉइंट अब क्या बोला कि 20,461 या फिर 471 के नीचे में अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिलेगा, क्यों बताएं पीछा के ये भी देख लेते हैं। देखिए ऊपर जितना क्लियरिटी के साथ ट्रेंड लाइन है ना रेजिस्टेंस वाला, नीचे उतना क्लियरिटी के साथ सपोर्ट ट्रेंड लाइन भी है यार, आप क्लियरली देख लीजिए। एक बार टच किया फिर निफ्टी ऊपर गया, दो बार टच किया ऊपर गया, तो यहाँ पे क्लियरली आपको दिखाई दे रहा है कि सपोर्ट ले रहा है बोल के। तो जब तक ये नीचे वाला ट्रेंड लाइन नहीं टूटेगा तो कैसे कन्फर्मेशन होगा कि नीचे जाएगा। उसके साथ साथ दोस्तों 20,471 अगर आप लेवल देखोगे, ये क्लोजिंग प्राइस है 16 फरवरी का, और आज के दिन खुला मार्केट नीचे आया क्लोजिंग प्राइस के आसपास सपोर्ट लिया ऊपर गया, तो मतलब सेम ही कंडीशन है कि भाई अब जैसे रेजिस्टेंस ट्रेंडलाइन प्लस रेजिस्टेंस लेवल टूटेगा तो कॉल कर खरीदेंगे, ठीक वैसे ही लाइक सपोर्ट ट्रेंडलाइन प्लस सपोर्ट लेवल टूटेगा 20,471 के नीचे तब जाके पुट खरीदेंगे। आप समझ पा रहे हैं ये दोस्तों मेन रीजन है, तो सीधी सिंपल सी बात है। और तब जो मैंने रीजन बोला था क्लियरिटी के साथ इसीलिए कि भाई एम पैटर्न के साथ क्लोज दिया है, अगर आप देखोगे तो कल लाइक फ्लैट खुलते हैं ये लो टूटते हैं आप सेल कर सकते हैं, बट यहाँ पे फिर सपोर्ट ही ये टूटा तो बड़ा डाउनफॉल देखने को मिलेगा। क्लियर हो गया दोस्तों, प्लान ए भी हमने डिस्कस किया। प्लान सी पे जाते हैं, अगर मार्केट कल के दिन बहुत ही बड़ा गैप अप खुला तो क्या होगा, तो आपको पता है, और मैं बोलना भी नहीं चाहता क्योंकि रेगुलर व्यूअर जो है ना उनको पता है कि भाई मैं क्या बोलने वाला हूं। ऑब्वियस सी बात है यार, सेल के बारे में सोचेंगे, कल अगर बड़ा गैप अप खुला एम पैटर्न बना सेल करना है दोस्तों, या फिर लाइक लोअर लो बना उस कंडीशन में लोअर लो बनता हुआ दिखा सपोर्ट टूटता हुआ दिखा लाइक तब भी सेल करना है, या फिर सबसे बेस्ट पैटर्न है कि मार्केट गैप अप खुलेगा 15-20 मिनट एक रेंज में रहेगा, उसके बाद अगर रेंज टूट रहा है 10-10-15-11 बजे के आसपास नीचे की तरफ तो पुट बाय करना है। रीजन बहुत सिंपल है दोस्तों, पहला सिंपल रीजन है जो भी लोग यहाँ पे आज के दिन कॉल खरीद के गए होंगे, कल अगर गैप अप खुलेगा डेफिनेटली उनके पोजिशन पे उनके डीमैट में उनको प्रॉफिट दिखेगा, वो अपना बाइंग पोजिशन करेंगे एग्जिट, तो बाय जब एग्जिट होगा तो सेल में कन्वर्ट होगा मार्केट नीचे की तरफ आएगा। बट सबसे मेन रीजन क्या है कि अभी भी बहुत बड़े बड़े रेजिस्टेंस अवेलेबल हैं। 1 आवर टाइम फ्रेम पे अगर आप जाओगे दोस्तों तब असली रूप आप देख सकते हो। यहाँ पे अगर आप देखोगे प्रॉपर, यहाँ पे मैं एक रेड जोन कहीं मार कर लेता हूँ दोस्तों, सो देट आपको क्लियरिटी मिले, यही मैं आपको समझाना चाहता था कि कल के दिन मान लेते हैं फिन निफ्टी 20,700 के आसपास खुला, 20,800 के आसपास खुला, यहाँ पे खुला तो क्या है यार, आप क्लियरली देख लीजिए 1 आवर टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस मजाक में मत लीजिए। बड़े बड़े स्विंग ट्रेडर फॉलो करते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम का, और यहां पे देखोगे 1 आवर टाइम फ्रेम पे एक बार टच किया था इसी जोन में लाइक 20,770 के जोन में इतना बड़ा डाउनफॉल, दूसरी बार दोस्तों टच किया कितना बड़ा डाउनफॉल, कल सीधा मान लेते हैं ये प्लेस पे खुला तो भाई एक बच्चे को भी दिखाई दे रहा है कि भाई यहां पे लाइक कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस जोन है, मार्केट गैप अप खुला है तो चलो अपना बाय पोजीशन का प्रॉफिट में एग्जिट कर लेता हूं, मार्केट नीचे आएगा। और जो लोग सेलर लोग हैं यहाँ पे बैठे वो छोड़ेंगे क्या, वो खुलते ही दोस्तों यहाँ पे शॉर्ट्स करना चालू कर देंगे, सो देट एक लाइक कहीं ना कहीं रिस्क एंड रिवॉर्ड सही है कि 1 आवर टाइम पे रेजिस्टेंस है तो यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ जाएगा। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कल गैप अप खुलते हैं सेल के बारे में सोचिए। अब फिर से 15 मिनट पे चले जाते हैं और एक मैं आपको व्यू देता हूं, प्लान सी भी हमने डिस्कस कर लिया, प्लान लाइक डी की डिस्कस करते हैं दोस्तों। अगर मार्केट कल के दिन लाइक लिटिल भी गैप अप खुला, किसी को कंप्लेन ना आने ये भी कंडीशन में बोल रहा हूं, नहीं तो बोलते हैं कि सर आप बहुत बड़ा गैप अप का बोलते हो, फ्लैट खुल लाइक लिटिल गैप अप खुलता है तो फिर कहीं कहीं प्लान हमारे
एक्टिवेट ही नहीं होता है, फिर सोच में पड़ जाते हैं क्या करें बोल के। देखिए लिटिल अगर गैप अप खुला ना, मीडियम गैप अप खुला है मान लेते हैं, मार्केट को थोड़ा स्टेबल होने के लिए दीजिए, मार्केट को नीचे आने के लिए दीजिए, ये क्लोजिंग प्राइस के आसपास सपोर्ट लेके मार्केट डब्लू पैटर्न बन रहा है, हाई हाई बन रहा है तो वाई दीजिए। गैप अप खुला और देख रहे हैं कि आज का जो डे हाई है ना वो तो कल सपोर्ट बन जाएगा, गैप अप खुलेगा तो रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस जोन है ना इसके ऊपर गैप अप खुला नीचे आएगा सपोर्ट बनेगा, यहां से अगर मार्केट डब्लू पैटर्न बन रहा है हायर हाई बन रहा है तो भी कॉल बाय कीजिए। तो इतना आपको समझ में आ गया कि भाई मीडियम अगर गैप अप खुलता है कल के दिन मान लेते हैं लाइक यहां पे या फिर यहां पे, तो यहां पे खुला थोड़ा नीचे आने दो, क्लोजिंग प्राइस पे सपोर्ट लिया, मार्केट यहां से उठ रहा है कॉल बाय करेंगे, और थोड़ा गैप अप खुला थोड़ा नीचे आने दो, इसी रेजिस्टेंस लाइक सपोर्ट के आसपास उठ रहा है जो कि आज के दिन रेजिस्टेंस है, यहां पे डबल पैटर्न बन रहा है तो भी कॉल बाय करेंगे। तो मीडियम गैप अप खुला तो कॉल के साइड हमारा ट्रेड रहेगा, वो भी पैटर्न बनने के बाद, ना कि लोग थंबलिन देख के कुछ भी अपने आप से प्रेड करने लगते हैं जो कि गलत बात है। मैं जो बोल रहा हूं उसको सुनिए, लोग थंबलिन देख के फिर ब्लेम डालते हैं आपने ऐसा कहा था, थंबलिन के मैं सस्पेंस डालता हूं कि भाई ये है बोल के, बट यहां पे मेन कॉन्टेंट रहते हैं बोल के आ रहा हूं, लोग कहीं ना कहीं मैसेज करते हैं कमेंट करते हैं इसलिए मैं बोल रहा हूं, जो कि मिसगाइड होता है कहीं क्योंकि अपने आप ही देख के प्रेड करने लगते हैं, बट यहां पे ये नहीं सुनते कि यार मैं बोल क्या रहा हूं, कौन से लेवल के नीचे बोल रहा हूं कॉल लेने के लिए पुट लेने के लिए। ठीक है, मैं बोला हूं कि ऐसे ऐसे कंडीशन का तो कॉल लेने के लिए, थंबलिन पे देख लिए कल के दिन लोग बोलते हैं कि यार आपने तो बोला था यार कॉल जाएगा कहां गया, मैं कंडीशन दिया था वो कंडीशन एक्टिवेट ही नहीं हुआ, फिर बोलते हैं कि यार कहां गया बोल के। तो होप आप समझ पा रहे हैं, इसे गलती मत कीजिए। कल के दिन अगर लास्ट प्लान डिस्कस करते हैं, कल अगर मान लेते हैं बहुत ही बड़ा गैप डाउन खुल गया यहां पे तो लाइक डब्लू पैटर्न बनते ही कॉल वाई करना है, हायर हाई बनते ही कॉल वाई करना है, क्योंकि मेरे भाई गैप डाउन खुलाना सपोर्ट भरे पड़े हैं, यहां पे है सपोर्ट, यहां पे है सपोर्ट, यहां पे देखो सपोर्ट जोन है यार, कितने सपोर्ट जोन है यार। गैप डाउन खुला तो डब्लू पैटर्न बनते ही कॉल वाई करेंगे, हायर हाई बनते ही कॉल वाई करेंगे। याद रखिए 20,552 के आसपास क्लोज दिया है लाइक फिन निफ्टी, तो ये हमारे फिन निफ्टी का ऑप्शन चेंज, ये कॉल राइटर ये पुट राइटर 20,500 के आसपास क्लोज दिया है यार, क्लियरली दिख रहा है 20,600 पे मैसिव कॉल राइटिंग हुआ है यार, 19,26,800 से ज्यादा कॉल राइटर 20,600 के लेवल पे हैं। तो 20,600 अगर टूटा तब जाके हमें दोस्तों कहीं ना कहीं शॉर्ट्स कवरिंग के लिए ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा, नीचे की अगर मैं बात करूं 20,400 पे एक तगड़ा पुट राइटर दिखाई दे रहा है 18,97,840, तो 20,400 के नीचे जब जाएगा तब जाके हमें डाउनफॉल देखने को मिलेगा। तो ये क्लियर हो गया कि कहीं ना कहीं 20,600 पे 19,00,000 से ज्यादा कॉल राइटर बैठे हैं उसके ऊपर कॉल बाय, 20,400 पे 18,97,000 पुट राइटर बैठ रहे हैं उसके नीचे पुट बाय। क्लियर हो गया दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए, जाके फ्री वाले ग्रुप पे अभी कभी ज्वाइन कर लीजिए, अपने मम्मी पापा को बहुत सारा प्यार दीजिए, उनका हमेशा प्यार कीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं कल के दिन, थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए, टेक केयर, बाय एंड सी यू। और अभी के अभी आ रहा हूं दोस्तों मैं 6 बजे।